मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बिलखेड़ी गांव का निवासी वीर सिंह चौहान अपनी एक प्राइवेट दवा कंपनी के काम से 8 जून को मलेशिया गया था। वीर सिंह को 13 जून को घर वापस आना था, जबकि 14 जून को परिजनों के पास फोन आया कि वीर सिंह ने जानकारी दी कि उसके वीजा खत्म होने के कारण मलेशिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मलेशिया में पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की जानकारी मिलते ही पीड़ित वीर सिंह की पत्नी और परिजनों ने क्षेत्रीय सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से यह गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द वीर सिंह को सकुशल मलेशिया से भारत देश उसके घर लाया जाए। परिजनों का यह भी कहना है कि अगर जल्द ही वीर सिंह अपने घर वापस नहीं आए तो हम क्षेत्रीय सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के भोपाल स्थित बंगले पर जाकर आत्मदाह कर लेंगे। क्या मामला? मामला पूरा विदेश से जुड़ा हुआ है और इस मामले में हमारे सांसद क्षेत्र की मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं एवं अपील करते हैं कि वीर सिंह चौहान जी को मलेशिया से जल्द भारत वापस से लाया जाए, और अगर जल्दी से जल्दी उन्हें नहीं लाया गया तो उनकी पत्नी समेत एवं उनकी बहन समेत उनके परिवार समेत हम श्री सुषमा स्वराज के बंगले पर आत्मदाह करेंगे। मामला है बीजापुर क्या बताया? पूरा मामला वीर सिंह चौहान जी 8 जून को मलेशिया के लिए दिल्ली से गए थे और उनको 12 या 13 तारीख को वापस आना थी इंडिया भारत, लेकिन वो नहीं आए। जब संपर्क साधा गया तो उनका संपर्क नहीं हुआ, उल्टा 14 जून को मलेशिया पुलिस द्वारा हमारे पास फ़ोन आया। मलेशिया द्वारा पुलिस ने फ़ोन किया वीर सिंह द्वारा कि मुझे मलेशिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मेरा वीजा आदि ख़त्म हो गया, इसलिए गिरफ्तार किया गया है मात्र, उन्होंने ये बताया। इसके बाद में हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ है। इसके बाद में विदेश मंत्री एवं हमारे क्षेत्रीय सांसद श्रीमती सुषमा स्वराज जी से बार बार निवेदन किया जा रहा है, गुहार लगाई जा रही है। इसके बाद में अगर वीर सिंह चौहान जी की अगर भारत वापसी नहीं होती है, पूरा परिवार सामूहिक रूप से सुषमा जी के बंगले पे आत्मदाह करेगा। हमारे पति 7 जून को मलेशिया गए थे कंपनी के नाम से, उसके कारण कितने में 12-13 तारीख तक का जाम था और 14 तारीख को आपको फोन आया था कि मेरा भेजा मिस पैक होते हैं। आज कहाँ गए थे आप अभिनंदन सुषमा जी के बंगले? जी क्या कहना, क्या कहा उन्होंने?